am so angry. I expected कि मुझको 92% आएंगे और आए हैं 89%. मैं अपना पेपर ना revaluation के लिए भेज रही हूँ. भेज दो बट जल्दी से भेज दो because you have to send it within 4 days of result declaration with 500 rupees application form. और याद रखना कि सिर्फ marks calculate होते हैं, अभी answer नहीं check होगा आपका. यार revaluation के बाद भी same marks है. हाँ यार तू परेशान क्यों हो रही है? Answer sheet मंगवा लो, 500 रुपए का application form भर के. You can ask for the entire digital copy of your answer sheet. और answer sheet आ गई है. देख देख, इस answer में मैंने 4 points लिखे थे, उसने मुझे सिर्फ 3 दिए, 4 में से. इतनी परेशानी है. तो यू कैन एक्चुअली सेंड पर्टिकुलर answers फॉर revaluation. चैलेंज कर सकते हो आप CBSE को कि आपको ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए थे उस आंसर में. मैक्सिमम 10 questions का आप revaluation के लिए भेज सकते हो. पर क्वेश्चन 100 रुपीज लगेंगे. बट याद रखना, मार्क्स बढ़ भी सकते हैं पर कम भी हो सकते हैं, और फिर आप उसको कुछ चेंज नहीं कर पाओगे. तो सोच समझ के अपना पेपर revaluation के लिए भेजना. एक्चुअली आई एम हैप्पी विद माई मार्क्स. पर ये सब तुमको कैसे पता? Who else? I follow Surbhi ma'am on the Vedantu 9 to 10 channel, और उन्हीं के वजह से I have got a perfect score. So I'll also go thumbs up, share and subscribe.